क्वेश्चन नंबर 41 द नाइट्रोजन रूल स्टेट्स दैट इन केस ऑफ ए कंपाउंड हैज एन ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर आयन द कंपाउंड हैज डैश नंबर ऑफ नाइट्रोजन आंसर हेब ऑप्शन नंबर ए दैट इज ऑड माने ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन थिले तार मासटा सब बेले ऑड ही आसे आंसर नंबर 41 जो देखमा नाइट्रोजन रूल कोइ छ एटा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहसु आम मास स्पेक्ट्रोमेट्री एनालिसिस रे आम टे यूज करछौं कारण ए रूल देख एनी मॉलिक्यूल दैट कंटेन एन ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन यदि ऑड नंबर ऑफ नाइट्रोजन रखिथिबा तार मॉलिक्यूलर मास भी ऑड हेबा आ यदि इवन नंबर ऑफ नाइट्रोजन रखिथिबा बोले तार मास कण हेबा इवन हेबा एटा के आम एग्जांपल वे रे देखमा देख एग्जांपल रे तमे अंत देखि पारबो जे CH3 CH2 NH2 मास रे मनकर गोटे मास माने मास स्पेक्ट्रोमेट्री रे एम बाय जेड जेनटा आसी इतार यदि बेस पिक देख लतटा दुईटा कार्बन यदि गोटे पर गोटे मिसाते जीव दुईटा कार्बन है 24 नाइट्रोजेन रहा के 14 हाइड्रोजेन 3 5 2 7 तो है के देख 4 4 8 8 7 15 हाथ 1 रहा 2 1 3 4 देख 45 इटा अड है गोटे अच्छे गोटे एकटा कण अड है ना यदि आउ चेक करब मुझे इभिन नहीं देखो देख CH2 CH2 NH2 NH2 इधर जी चेक करब कार्बन 2 24 नाइट्रोजन 2 14 14 28 तब हाइड्रोजन अच्छे 8 के 8 है तो ये जी मिसमा 8 8 16 16 4 20 2 2 4 2 6 60 देख कण बाहर इभिन बाहर क्या कर 2 नाइट्रोजन अच्छे ना तो यहाँ हूँ नाइट्रोजन रूल तो आमको क्वेश्चन भी सिमिलर वे रे एक कही क्वेश्चन नंबर 42 इन व्हिच कंपाउंड मॉलिक्यूलर आयन पिग इज नॉट विजिबल करेक्ट आंसर हूँ ऑप्शन नंबर सी अल्कोहल आंसर नंबर आम देखमा 42 के जी देखमा इतने कण कही मॉलिक्यूलर आयन पिक इनविजिबल बोली कही मॉलिक्यूलर आयन पिक किन कंपाउंड रे नॉट विजिबल और इनविजिबल बोली कही से तो आमको जेन ऑप्शन माने दे ऑप्शन मानक टिके जदि ऑब्जर्व करबो पहला तीर दे छे सब डिटेल रे बुझे जों काना है जे पहला दे छे देखो अल्केन तो अल्केन रे काना है सी जदि तुम्हें तार मॉलिक्यूलर आयन पिक देखबो पूरा इनविजिबल तो नुहे से किंतु काना है से इतरे पेरेंट पिक रो इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करसी पेरेंट पिक रो इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करसी विथ इनक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास यदि मॉलिक्यूलर मास इनक्रीज करते गलो और चेन रो लेंथ जदि बढ़ाते गल बोले मॉलिक्यूलर मास बढ़वा तार मॉलिक्यूलर आयन पिक टा कण भाई डिक्रीज करवा तार कण इंटेंसिटीटा इंटेंसिटी डिक्रीज करसी आउ ई तार एक्चुअली कहाँ करता है बोले ये एक्चुअली डिपेंड करसी कहार ऊपर डिपेंड करसी कहार ऊपर बोले डिपेंड करसी स्टेबिलिटी ऑफ आयन फॉर्म स्टेबिलिटी ऑफ आयन फॉर्म आउ हला स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल जेनटा लॉस्ट हो जाए ये दुईटा उपर डिपेंड करसी तर बी रे दीजिए तुमर आई थिंक अल्कोहल दीजिए अल्कोहल नहीं एमीन दीजिए एमीन एमिन केस रे किसी असुविधा नहीं RNH2 अच्छे है लोन पेयर अच्छे तक इलेक्ट्रॉन दे ला दुईटा इलेक्ट्रॉन गोटे इलेक्ट्रॉन देसों दुईटा इलेक्ट्रॉन बाहरी जैसी जेटा RNH2 पॉजिटिव डॉट ये तो मॉलिक्यूलर आयन पिक किसी असुविधा ना है एबे जिते बेले तुम्हें जीव अल्कोहल निके अल्कोहल केस रे प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल ई केस रे किसी असुविधा नहीं ये केस रे आमे तार बे आमर जेन मॉलिक्यूलर आयन पिक अच्छे देखवार के पैसों मॉलिक्यूलर आयन पिक मैंने विजिबल थी किंतु 3 डिग्री अल्कोहल केस रे मॉलिक्यूलर आयन पिक जेनटा अच्छे इट्स नॉट विजिबल ला सरा के जदी एग्जांपल वरे देखबो अंता आज देखो CH3 CCH3 CH3 ऑक्सीजन एंता आज टर्सियर अल्कोहल इन जदी पॉजिटिव डॉट रहउ छी जे हाईली अनस्टेबल सिस्टम है ये सांगे सांगे CH3 रेडिकल पले जीबा CH3 रेडिकल गला पर एटा एंता बनबा माने गुटे CH3 रेडिकल गला माने इनके डॉट आसला इतर डॉट आसला एले काना बनला देखो एंता कंपाउंड सांगे सांगे बनि जीबा एटा हाईली अनस्टेबल सिस्टम है
अनस्टेबल सिस्टम है बोले बिल्कुल भी आम आम मैं कण मास स्पेक्ट्रोमेट्री देखवार के ही नहीं पाऊँ ये नॉट विजिबल इतना केनटा पेरेंट पिक कथा पड़ी जाए मॉलिक्युलर आयन पिक जेन कह इज नॉट डिटेक्टेड नॉट डिटेक्टेड तापर देखिए एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड केस रे असुविधा किसी नहीं है एरोमेटिक कंपाउंड केस रे भी हमें पिक देखवार के पाई पार्मा केंदिक रे देखो इंटरेस्टिंग है एरोमेटिक कंपाउंड मान करते तुम्हें एरोमेटिक बेंजीन रे अच्छे आड़े किसी भी चेंज जदि रखीच सी एच टू आर जहाँ भी अच्छे पेरेंट पिक रे कण हे इन प्लस आउ डॉट गोटे इलेक्ट्रॉन देव दुईटा इलेक्ट्रॉन बाहर कराब एवं कण हवा इजेन सी एच टू देखुच ये कहाँ करवा इड के मैंने आर डॉट पले गला कण पले गला आर डॉट पले गला आर डॉट पले गला परे जेन सिस्टमटा बनुच्छे सी एच टू आर डॉट पले गला बोल इन पॉजिटिव एवं ये रीअरेंज हेसी ये रीअरेंज होकर ट्रोपिलियम जानी थोड़ा ट्रोपिलियम कैटायन बनसी जेनटा कि एम बाय ई 91 बोलिकी कहसी ये इंपोर्टेंट पिक मान तो इतार भी पेरेंट पिकटा देखवार के पैसों के नहीं बोले हाँ भिजिबुल है कंपेयर कराएसी एरोमेटिक कंपाउंड के आलकैन सागे यदि कंपेयर करब एरोमेटिक कंपाउंड रो पिक बेसी इंटेंस है एज कंपेयर टू कण आलकैन तो से वे रे एनसर जदि देखमा इथरे तो एनसर हवा जेतु टर्सियरी अल्कोहल रे इनविजिबल अछे तो से लगे हमें अल्कोहल के हमर ऑप्शन सी जेंटा अछे अल्कोहल के एनसर रे नहीं पारमा। क्वेश्चन नंबर 43 हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड C8 H8 O3 करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी दैट इज 5 फॉर आंसर 43 के जदि सॉल्व करमा हमको देजे C8H8O3 इतु कहिजे केतेटा डबल बॉन्ड अछे कैलकुलेट करो बोल जी तें द फार्मूला रे सोर रखी तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोली रे फार्मूला अछे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट DBE बोलसन DBE फार्मूला एंता है C+1 डे ब्रैकेट करब माइनस H+X-N/2 तार माने देखो कार्बन जितकीटा थी कितना अच्छे 8टा अच्छे 8+1 माइनस करब हाइड्रोजन कितना अच्छे 8टा एक्स बेले कण हेलोजन नैनो नाइट्रोजन नैनो डिवाइडेड बाय 2 बाकी मानक देखब नहीं हाँ नैनो बेले 0 है तब ये कहते आठ एक नौ है ये माइनस 8/2 बोले कहला 4 है आंसर कैसे बाहर 5 डबल बॉल इक्विवेलेंट कहते बाहर 5 एक्चुअली ये जेन 5 बाहर कि नहीं ये एंता नहीं से कन्फर्मली तार आमको खाली डबल बॉन्ड पचारे बोले 5 आंसर हो जा कितु यहाँ ये 5टा काना काना पॉसिबल हो पारे बोले रिंग हो पार्सी डबल बॉन्ड हो पार्सी आम दुई तीर एक्सपेक्ट नहीं पार्मा माने ये मन कर वन बाहर बोले से गोटे डबल बॉन्ड भी थी पारे आ से सिस्टम रे कण थे गोटे रिंग सिस्टम भी हो थी पारे तो ये आंसर आम 5 है। क्वेश्चन नंबर 44 मास स्पेक्ट्रा ऑफ ए कंपाउंड सो फॉलोइंग पिक्स एट एम बाय ई 86 71 57 43 द कंपाउंड इज एटा कन्फ्यूज माने ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भितर बट मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर नंबर 44 के जी आम ऑब्जर्व करमा क्वेश्चन देख एम बाय ई पिक गुड़ाक दे दीचे हाँ 86 71 57 43 मुझे क्या कहे डिफरेन्स मैंने बनईचे इजी है बोलिक देख ये 15 14 14 ये ऑप्शन 4 लिखी देखें ब्यूटेन देख फर्मूला कण है ब्यूटेन र्यूट 4 कार्बन है आउ ये आलकैन है बोले CnH2n+2 यहाँ होगा C4H10 इधर मास जदि बाहर कराब 12 14 48 है 8 10 कितने 58 यार तो तुम कण हो देख मैक्सिमम पी के 58 है तो यहाँ कटला 2-methyl-butane रे देख क्या करब ब्यूटेन है ब्यूटेन जदि आवेला सेम फर्मूला ला दुई नंबर पोजिशन मिथाइल लगे मैंने गोटे तार ग्रुपटे हाइड्रोजन के अलगे करी मिथाइल ग्रुप लगाई दुई नंबर पोजिशन तो गोटे हाइड्रोजन कम कर दि मिथाइल ग्रुप गोटे पुट कर दि बोले गोटे हाइड्रोजन कम कला कण है C4H9 आ गोटे CH3 लगा बोले C5H12 है इधरटा बाहर कर 12 50 60 आउ 12 कितने 72 अगेन यहाँ भी होने पारे ये दुई भितर कैंसर गोटे हो पारे देखो देखो एन हेक्सेन C6H14 ये देव 1272 आउ 14 देख मिसले हूँ 86 तो पसबिलिटी यहाँ आसपे 2-methyl-pentane भी सेम जिनस है तार भी फर्मूला आसी जा कणा C6H14 तो इतना भी कैसे 72 14 के 84 एवं आमको डिसाइड करवाई दुहिलकर भितर के एज दिल्कर स्ट्रक्चर की जीमा
एन हेक्सेन देख एन हेक्सेन के जब सी एच थ्री सी एच टू चलला सी एच टू सी एच टू गुड़ा देख अब टू मिथाइल के जब एंता तो यार डायरेक्ट एंता आयन पिक गुड़ाक देख ना मॉलिकुलर आयन पिक दुहल कटा के 86 नेक्स्ट देख 15 यूनिट छाड़ी करी छाड़कर बाहर कथा 71 15 यूनिट बेले गोटे सी एस थ्री यूनिट 15 है तो ये भी गोटे सी एस थ्री देख टर्मिनाल अच्छे गोटे सी एस थ्री ब्रेक सी एस थ्री डट पलेगला आई नो डट सी सरी पॉजिटिव चार्ज सी एच टू आसगला बोले हमें कटा के 15 जब माइनस होगा बोले 71 तो दुहनु 71 पसबुल नेक्स्ट मैंने इन एंता है मन कर सी एस थ्री सी एच टू गोटे सी एस थ्री पलेगला कि नहीं किन फर्म्रे डट फर्म्रे बोले इन कौन है पॉजिटिव एंता य जगार भी तुम ये देखिपार देख सी एस थ्री सी एच टू जगार कौन है पॉजिटिव एंता सिस्टम रखिपार है नेक्स्ट जिते बेले ये 86 दुई लोकटा के 71 मैंने 86 71 दुईटा पसबुल अच्छे तापर 14 कम कर देख इकेस 14 जदि नेक्स्ट कम कल फिर गोटे सी एच टू यूनिट पलावा सी एच टू यूनिट पलाले देख 14 दुहन 14 कम हो नेक्स्ट जितने 43 निके पहुँचवा ट्राए कर 43 है इकेस कण हाँ गोटे तुम इकेस इकेस आम देख 4 कार्बन के रख ल रो ये जगह टिके बागिला देख हाँ इतने तो कैसे है एम बाय ई इटा 86 है इनु कण गला सी एस थ्री डट गलापर इनु के आसला 71 इ सेम रू तुम्हें कण रिमूव कर पार्ब जान सी टू एच फाइव डट भी रिमूव कर पार्ब जदि सी टू एच फाइव डट रिमूव करब जेन कंपाउंडटा बनवा तार टा हवा के 57 तो देख सब पसबुल हो नेक्स्ट जेनटा 43 अच्छे 43 भी इन पसबुल है जेनटा आम 86 अच्छे ये 86 रू एका तुम्हें कण के रिमूव करब तीन टाके रिमूव कर सी थ्री एच सेवेन डट सी थ्री एच सेवेन डट मिडिल रू ब्रेक कर बोले जेनटा रही कण रही सही सी थ्री एच सेवेन प्लस रही इतारटा के बोले इतारटा हो तुम 43 तो इतारटा भी सब पसबुल है ई केस देखमा हेला ये तलर केस की भी देख बोले देख यहाँ के 86 थिला गोटे सी एस थ्री गलापर कौन है 71 यहाँ बनी पारे इनु भी तो आम सी टू एच फाइव ग्रुप देख रिमूव कर पार्ता यहाँ रिमूव कर पार्ला भी जेनटा बनवा से 57 आदे पॉइंट है आरटा भी पसबुल है इन जब ब्रेक करब बोले तो एगेन ये क्वेश्चन भी टी आमको कन्फ्यूजन रखुचे बट स्टिल हाँ देखमा जदि कि नहीं मैंने जनरली जदि जड़े एक्सपेरिमेंटाली जदि डाटा के देखो है सथर ग्राफ मान को जदि देखो तो आंसर से एन हेक्सन के से कंसीडर करूचे क्या इ केस रे ये 57 जेन पिकटा अच्छे 57 तार एवंडेन्सटा बहुत कम देखे सर एक्सपेरिमेंटाल फैक्ट है हाँ मैंने आम जदि आहरी डिटेल स्टडी करमा मैंने कण आम मास स्पेक्ट्रोमेट्री बोले जानपरमा तो आंसर रे कन्सीडरेबल एवं एन हेक्सन के आम नहीं था हेला आहरी जब डिटेल मत किसी एक्सप्लेनेसन मिलवा बोले आम ट्राए करमी दुई भितर के एक्जाक्टली सल्व करवार लगे क्वेश्चन नंबर 45 अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल फ्रीक्वेंसी यार करेक्ट ऑप्शन होची ऑप्शन नंबर ए पारामिथॉक्सी एसिटोफेनन लेस देन एसिटोफेनन लेस देन पारा नाइट्रो एसिटोफेनन आंसर नंबर 45 के जदि आम डिस्कस करमा इतने कही सीओ फ्रिक्वेन्सी अर्डर जेनटा कि आमको एसिटोफेनन पारामिथॉक्सी एसिटोफेनन और पारानाइट्रो एसिटोफेनन रे चेक करवार अच्छे तो जड़े जदि जनरली आमर सी डबल बंड ओ के देखवा तो सी डबल बंड ओ रे ये बंड इके पोलराइज करवा पोलराइज करवा लगे बोलिकी इतने कौन आसी तार बंड रेन स्ट्रेंथ अच्छे स्ट्रेंथ कौन है ये जगह पॉजिटिव चार्ज आई जगह नेगेटिव चार्ज मैंने इन जनरल केस तार बंड स्ट्रेंथ डिक्रीज हेसी और तार फ्रिक्वेन्सी कौन है डिक्रीज हेसी जदि आम इटे देख य जगार आम रेजोनान्स पार्टिसिपेट करूँ बेंजीन रिंग के तो ये जगह देख क्या क्यारेक्टर आसचे तार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड क्यारेक्टर आसचे कैन सी ओ रे तो बेंजीन रिंग सागे लगवार लगे बोलिक तार के भैल्यू जेना फोर्स कन्स्टांट कमी फ्रिक्वेन्सी भी कण होगा कमी कितु जिते बेले एंता इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक ओ एम ई जिते बेले आम जॉइंट करूँ से तार कंजुगेशन जेनटा हो सेटा कण हाँ आहरी इनक्रीज होगा जो आहरी इनक्रीज हो इलेक्ट्रॉन जब आम प्रोवाइड करूँ ये कौन है प्लस एम इफेक्ट रे इलेक्ट्रॉन आहरी दौच जदि आहरी देव ये जेन फोर्स कन्स्टांट अच्छे सीओ रो आहरी कमी जा फ्रिक्वेन्सी आहरी कम जा
ମାନେ ସବୁଥିରେ କମ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଇ କେସ୍ରେ ଲାଗ୍ବା। ଏଥିରେ ତ ଦେବାର ଲାଗି କେହି ନାଇଁ ନା। ଇ କେସ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଓ ଟୁ କାଣା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ୱିଡ୍ରଇଂ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଇନସ୍ ଆଇ ଇଫେକ୍ଟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍କେ ତାର ଆଡ଼କେ କାଁ କରିଛେ ୱିଡ୍ର କରିଛି। ସେ ଯଦି ବି ଇଏ ଆଡ଼କେ ଯିବାର ଲାଗି ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ ଇ ଏନ୍ଓ ଟୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଲାଗି କାଣା ହେତ୍କି ଏମାଉଣ୍ଟରେ ଯାଇନିପାରେ। ତ ଏତାର ଯେନ୍ ଫୋର୍ସ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ବଢ଼ିଯିବା, ତ ଏତାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବି କାଣା ହେଇଯିବା, ବଢ଼ିଯିବା। ଏଇଟା ଏଇ କେସ୍ରେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବଢ଼ିଲା ହେଲା। ଇନ୍ ଜେନେରାଲ କେସ୍ରେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କମ୍ସି, ହାଁ ୱିଡ୍ରଇଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଲଗେଇଛ ବୋଲି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବଢ଼ୁଛି। ଇ କେସ୍ରେ ଦେଖ ଡୋନେଟିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ଆହୁରି କମିଯାଉଛି, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ହେ। ତ ଆମେ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର ବନାମା ସବୁଥିରୁ କମ୍, କାହାର କେସ୍ରେ ସବୁଥିରୁ କମ୍, ଦେଖ ଫୋର୍ସ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କମ୍, ଯେନ୍ତାକି ପାରାମିଥୋକ୍ସି ଏସିଟୋଫେନନ୍, ଏଇଟା ପହିଲା ଆସ୍ବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ନର୍ମାଲ ଏସିଟୋଫେନନ୍ ଆସ୍ବା, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କାହାର ଲାଗି ବେଶୀ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଲାଗ୍ବା ବୋଲେ ପାରାନାଇଟ୍ରୋ ଏସିଟୋଫେନନ୍ ଲାଗି ବେଶୀ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଲାଗ୍ବା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଅଛି। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ प्रोटॉन्स ओरिएंटेड विथ एंड अगेंस्ट ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1.5 टेस्ला। एटा होमवर्क निजे ट्राए करिबो आ कमेंट सेक्शन रे मते बतेइबो। देखो आंसर नंबर 46 यदि देखमा, 46 रे से एनर्जी गैप और एनर्जी डिफरेंस से मागी जे अमर कहार भितरे एनर्जी गैप बिटवीन टू स्पिन स्टेट, जेनटा जड़े एगेन्स्ट द मैग्नेटिक फिल्ड आज जड़े कण अच्छे विथ द मैग्नेटिक फिल्ड। तो आम कौ टू स्पिन स्टेट बोलिकी जेनटा कि फर्मूला अच्छे डेल्टा ई इज इक्वल टू फर्मूला जी सोर कर गामा एच गामा डिवाइडेड बाय टू पाए इंटु एच जीरो है एनर्जी गैप मागिचे। देख फिल्ड स्ट्रेंथ जेनटा हमको गिभेन अच्छे एच जीरो के 1.5 टेस्ला ହେଲା। ଏଚ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କାଣା, ପ୍ଲାଙ୍କ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ଲାଙ୍କ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ପାଏର ଭାଲ୍ୟୁ ଜାଣିଛ, ଏ ଗାମାର ଭାଲ୍ୟୁଟା ଏଇଟାକି କହିସନ୍ ଗାଇରୋ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରେସିଓ ହେଲା। ଏଠି ପୁରା କହିଦେଇଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବୋଲିକରି, ତ ଗାଇରୋ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରେସିଓ ଫର୍ ପ୍ରୋଟନ୍। ଏ ଭାଲ୍ୟୁଟା ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଯଦି ସେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆମକୁ ଯଦି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଭାଲ୍ୟୁଟା ମନେ ରଖିବା କଥା ହେଲା। ଏ ଭାଲ୍ୟୁଟା ଚେକ୍ କରିବ ନିଜେ, ହଁ ଏସବୁ ଭାଲ୍ୟୁ ପୁଟ୍ କରିକିରି ମୋତେ ଆନ୍ସର୍ଟା ନିଜେ କହିବ କ'ଣ ହେବ, କମେଣ୍ଟରେ ଆନ୍ସର୍ଟା ଲେଖିବ କ'ଣ ହେବ। ମୋ ଫର୍ମୁଲା ଦେଖ, ସବୁ ଫର୍ମୁଲା ବତେଇ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ପ୍ଲାଙ୍କ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ପାଏର ଭାଲ୍ୟୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଏଇଟା ଦେଇଛି 1.5 ଟେସ୍ଲା, ଗାଇରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରେସିଓ ପ୍ରୋଟନ୍ର ଚେକ୍ କରିବ ଆଉ ଆନ୍ସର୍କୁ ବାହାର କରିବ। ଫର୍ମୁଲା ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ହିଁ ୟୁଜ୍ ହେବ। क्वेश्चन नंबर 47, ए कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2BrCl एक्जिबिट टू डबलेट्स, ब्रैकेट रे अच्छी जे इज इक्वल टू 16 हर्ज इन इट्स PMR स्पेक्ट्रा, प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर। करेक्ट ऑप्शन होची ऑप्शन नंबर सी। देखो हाँ आंसर नंबर 47 रे एक्चुअली सिखवार जिनिस केतटा अच्छे, हाँ आमर क्वेश्चन रो आंसर जिनटा हमको कहिछि कि C2H2 ହେଲା BrCl ଯେନ୍ଟା ଆମର ଅଛେ ଇତାର କେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେବା ବୋଲିଛେ। ଆଉ ଇନଫର୍ମେସନ୍ରେ ଖାଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ୍ଟେ କାଁ ଲାଗିଛି, ଜେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 16 ହର୍ଜ ବୋଲିଛେ, ଆଉ ଦୁଇଟା କାଣା ଦେବା, ଦୁଇଟା କାଣା, ଦୁଇଟା ଡବ୍ଲେଟ୍ ଦେବା ବୋଲିଛେ, ଟୁ ଡବ୍ଲେଟ୍ ଦେବା ବୋଲିକିରି କହିଛି। ତ ଇତାର ଇ ଜେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 16 ହର୍ଜ ଦେଖ୍ଲ କି କିନି, ବେଲେ ତ C2H2 ଇଟା ଫର୍ମୁଲାକେ ଦେଖ୍ଲା ପରେ କାର୍ବନ୍ କାର୍ବନ୍ ଭିତରେ କାଁ ବଣ୍ଡ ଅଛେ, ଡବଲ୍ ବଣ୍ଡ ହେ। ଇ 16 ହର୍ଜର ମିନିଙ୍ଗ ବୁଝ, 16 ହର୍ଜ ବେଲେ ହେଉଛେ ଇଟାକି ଭିସିନାଲ, ଭିସିନାଲ ଆମର ଯେନ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ଅଛେ ତାକର ଭିତରେ ସ୍ପିନ୍ ସ୍ପିନ୍ କପ୍ଲିଂ ଯେନ୍ଟା ଆସି, ସେ କପ୍ଲିଂ କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁଟା କେତେରେ ଆସି ବେଲେ 13-18 ଆସି ଏନ୍ ଦ ଭିସିନାଲ୍ରେ, ସେଟା ଫେର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋଜିସନ୍ରେ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ଆଡ଼େ BR ଲଗେଇଦେବ, ଗୋଟେ ଆଡ଼େ CL ଲଗେଇଦେବ, ଏଇଟା ତ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଅଛେ। ଏଇଟା ମୁଇଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କେତେଟା ଲେଖିଦେଇଛି, ଦେଖ ଯେନ୍ତା ଇଟାକି ଜେମିନାଲ୍ ବୋଲ୍ସନ୍, ଜେମିନାଲ୍ କପ୍ଲିଂ, ତାର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଉଛେ, ଭାଲ୍ୟୁ ମାନେ ମନେ ରଖିବ ପଡ଼ୁଛେ, ହାଁ 0-3 Hz। ଯଦି ସିସ୍ ଫର୍ମରେ ଅଛେ ଭିସିନାଲ୍, ଏଇଟା ଜେମିନାଲ୍, ହାଁ ଏଇଟା ଭିସିନାଲ୍, ସିସ୍ରେ ଥିଲା 7-12 ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଥିଲା 13-18, ଆମଟା 16 ଦେଇଛେ। ତ ଏଇଟା ଏକା ଆମର ଆନ୍ସର୍ ହେବା। ଏନୁ ଆହୁରି ଯେନ୍ ତ ଏନ୍ତା ଅର୍ଥରେ, ମେଟାରେ ଆଉ ପାରାରେ, ଏ ପ୍ରୋଟନ୍ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଯେନ୍ କପ୍ଲିଂ ହେସି, ଗୋଟେ ହେଲା 7-10 ଅର୍ଥରେ, ମେଟାରେ 2-3 ଆଉ ପାରାରେ 0-1 ହେଲା। ତ ଏଇ ଭାଲ୍ୟୁ ମାନେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାର୍ବା। ଆମର ଅପସନ୍ ହେଉଛେ, ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। क्वेश्चन नंबर 48, फ्रेंडली चार्ज ऑप्शन आइसोथर्म इच, एटा पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन टा, ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट, एक्स बाय एम इज इक्वल टू के पी टू द पावर 1/n। देखो आंसर नंबर 48 के देखो, इतने हमको कही चे फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म रे
आमर जेन ग्राफ अच्छे से ग्राफ के जी देखो ग्राफ रे हेसी काना ग्राफ रे आम ग्राफ काटसु कार कार भितर इटा होचे अमाउंट ऑफ एडजर्प्शन आ इडे नसु प्रेशर देखो आइसो थर्म बोल जे आइसो थर्म बोले एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर के चेंज कराबो तो इतार ग्राफ कंदा सी फर्स्ट धीरे धीरे एंता गोटे स्ट्रेट लाइन भलिया हवा इटा तापर इटा एंता चेंज बसि तापर फेयर अगेन स्ट्रेट लाइन हवा पहला रो जेनटा स्ट्रेट लाइन हो लीनियर कह स्ट्रेट लाइन जन लीनियर है यगार स्ट्रेट लाइन बनी जाऊँच विथ रेस्पेक्ट टू पैरेलल टू कना प्रेशर एक्सिस तो फर्स्ट लो प्रेशर रे एक्स बाय एम टा प्रेशर उपरे पूरा डिपेंडेंट है हाई प्रेशर रे देखो एक्स बाय एम टा आउ केनो डिपेंड करुचे प्रेशर बढ़ाले भी एक्स बाय एम रो वैल्यू कना रहुचे सेम रहुचे पी टू दि पावर जीरो बल्ब एटा पी टू दि पावर वन तो ये इंटरमीडिएट प्रेशर रहला है इंटरमीडिएट प्रेशर रे हमें फ्रेंडली एडजप्शन आइसो थर्म के काम बोलसु एक्स बाय एम इंटरमीडिएट प्रेशर रे एक्जाक्टली ये स्टडी करिचे एक्स बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू दि पावर जीरो आउ एक भितर गोटे वैल्यू जेनटा कि हमें वन बाय एन लिखसु तो यहाँ के एंता कहे एक्स बाय एम इजिकल टू के पी टू दि पावर वन बाय एन यहाँ हूँ फ्रेंडली एडजप्शन आइसो थर्म जेनटा कि आमर कतरे अच्छे ऑप्शन नंबर ए रे अच्छे ऑप्शन नंबर ए टा हूँ कौन करेक्ट आंसर इन आउ कौन क्वेश्चन पचारि पारे जे लो प्रेशर रे हला केते ऑर्डर रिएक्शन बोल करी पचारि पारे लो प्रेशर रे इटा फर्स्ट ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर आउ हाई प्रेशर रे जीरो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर हला ए क्वेश्चन मैंने टी जानवर कथ इतार रिलेटेड आहरी जानव बोले इटा फ्रेंडली एडजप्शन आइसो तार में तार हिसाब से तुम लैंगमोर एडजप्शन आइसो थम तार रिलेटेड भी सब जिन जानवर कथ जेहेतु क्वेश्चन आज एडजप्शन आइसो थम के नहीं तार रिलेटेड सब इश्यू के सल्व कर दे क्वेश्चन नंबर 49 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड करेस्पॉन्ड टू वेंटॉफ फैक्टर टू बी इक्वल टू 2 इन डाइल्यूट सॉल्यूशन यार भी करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए दैट इज केसीएल यार डिटेल एक्सप्लेनेशन मु वीडियो द्वारा देखाई दीची यार गोटे फॉर्मूला अच्छी वेंटॉफ फैक्टर नेक्स्ट है आंसर नंबर 49 के जीवा 49 रे कहिछि हमको वेंटॉफ फैक्टर बाहर करावा लागि कहिछि वेंटॉफ फैक्टर डाइल्यूट सॉल्यूशन रे तो वेंटॉफ फैक्टर जेंडा आई इधर फॉर्मूला हो कौन नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन यहाँ पढ़ी दिवो आफ्टर डिसोसिएशन बिफोर डिसोसिएशन से कहे कहें किन केस रे वेंटॉफ फैक्टर 2 हवा बोल तो यदि के सी एल के ब्रेक कल कौन हो के प्लस आउ सी एल माइनस इटा जदि नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन जदि देखबो इटा 1 थिबा इटा 0 इटा 0 आफ्टर डिसोसिएशन ई काना हेबा कंप्लीटली डिसोसिएट हिजबा ई 0 हिजबा ये किंतु 1 इटा 1 हिजबा तो ई केस रे जदि हम बाहर करमा आई इज इक्वल टू देखो इटा होजे आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल केते हेगला 2 आ इटा बिफोर डिसोसिएशन केते होची 1 तो वैल्यू बाहर गेला 2 तो इटा हमर आंसर जेंडा कि ऑप्शन नंबर ए रे होची बाकी सिमिलर वे रे तुम्हें बाकी मैंने बाहर कर पार वेंटॉफ फैक्टर किंतु आमर आंसरटा हो कना ए जेनटा कि केसीएल क्वेश्चन नंबर 50 द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन ए सिंपल क्यूबिक एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक एंड बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूबिक आर रेस्पेक्टिवली यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए 1.4.2 माने सिंपल क्यूबिक रे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1 एफसीसी रे 4 एंड बीसीसी रे 2 देखो आंसर नंबर 50 इटा बदे मैक्सिमम जनकटा राइट हबार कथा इटा प्लस 2 रो हम पढते लाउचो यूनिट सेल रिलेटेड क्वेश्चन गुडा को जेंदर हमको कहि छे सिंपल क्यूबिक सेल सिंपल क्यूबिक बले काना खाली 8टा कॉर्नर रे 8टा एटम थिसि कि नै सिंपल क्यूबिक रे इटा होजे सिंपल क्यूबिक खाली 8टा कॉर्नर रे 8टा एटम तो टोटल नंबर ऑफ एटम जदि बाहर कराबो टोटल नंबर ऑफ एटम काना हेसी 8 × 1/8 करसु कांगरे कॉर्नर रे कंट्रीब्यूशन थी 1/8 रो तो आंसर बाहला केते गुटे 1 बाहला इटा काना सिंपल क्यूबिक रे तापर नेक्स्ट देखो सिंपल क्यूबिक पर देछे तुमको कहि एफसीसी एफसीसी बेला अगेन 8टा कॉर्नर रे 8टा थिबा आ 6टा जन फेस अछि 6ई फेस रे फेर 6टा एटम तो 8टा कॉर्नर रे 8टा इधर कंट्रीब्यूशन आसला 1 प्लस 6टा कॉर्नर रे जन अछि ताकर कंट्रीब्यूशन गुडा को केते हाफ तो इटा 1 इटा 3 मिसला हला केते 4 नेक्स्ट देजे बीसीसी बॉडी सेंटर रे 8टा कॉर्नर रे 8टा और पूरा सेंटर रे गुटे तो 8टा कॉर्नर रो कंट्रीब्यूशन अगेन 8 × 1/8 प्लस सेंटर रे जेंटा छे तार कंट्रीब्यूशन केते सी 1 तो इटा हला 1 + 1 केते हला 2 त
तो जेन अच्छे 1,4,2 ऑप्शन रे सेटा हवा राइट जेनटा कि ऑप्शन नंबर ए रे अच्छे देख 1,4,2 होचे राइट ऑप्शन।